एक हाउसवाइफ यानी कि गृहिणी की जिंदगी में अपने घर को संभालना ही उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है। अगर आप एक हाउसवाइफ हो तो आपसे बेहतर आपके घर को दूसरा कोई भी नहीं समझ सकता है। कई बार हम अपने कामकाज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि सब कुछ एक साथ कैसे संभाला जाए। इसलिए इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो शायद आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आए। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को। घर में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम कई तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। उनमें से एक है नेल पॉलिश रिमूवर। कभी कभी हम अपने शूज़ को साफ़ करना भूल जाते हैं, तो ऐसे में आप थोड़ा सा थिनर लीजिए कपड़े पे और इस तरीके से रब कीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो वाइट ये पोर्शन है एकदम से चमक उठेगा। कई बार ऐसा होता है कि जल्दबाजी में हम बटर है वो फ्रिज में ही भूल जाते हैं और अगर हमें यूज़ करना पड़ता है तो फिर वो बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो ऐसे में आप इसको छोटे छोटे पीस करके कटोरी में रख दीजिए 10 मिनट के लिए और उसके बाद आप आसानी से इसको यूज़ कर पाएंगे। कई बार फ्रिज में आटा रखकर हम भूल जाते हैं और जब रोटियां बनाने की बारी आती है तो बहुत ही ज़्यादा बेकार बनती हैं। इस तरीके से पानी भर के थोड़ा सा गुनगुना और कटोरी में आटा रख दीजिए, रोटियां बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। अगर आपका गैस बैग भी लीक होता है तो आप एक न्यूज़पेपर की हेल्प से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। इस तरीके से बॉटम में आप कोई भी न्यूज़पेपर का टुकड़ा रख दीजिए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ब्रेड का पैकेट जब भी घर में आता है तो इस तरीके की क्लिप्स मिलती हैं, ये या तो मिसप्लेस हो जाते हैं या बच्चे गुम कर देते हैं। तो ऐसे में हमारा जो ब्रेड का पैकेट है वो ओपन रह जाता है फ्रिज में और वो उससे जो ब्रेड है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाती हैं। तो आप इस तरीके से फोल्ड करके उनको रख सकती हैं जैसा मैंने इस वीडियो में बताया है। इससे आपकी ब्रेड है वो अच्छी भी दिखेगी, ऑर्गेनाइज दिखेगा फ्रिज और सख्त भी नहीं होंगी। इलेक्ट्रिक केटल हम सबके घरों में होती है, लेकिन धीरे धीरे जब उसमें पानी गर्म होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा हार्श स्टेन्स आ जाते हैं। उसको छुड़ाने के लिए आप बहुत ही इजी तरीका अपना सकती हैं। थोड़ा सा विनेगर लीजिए, एक ग्लास पानी लीजिए और थोड़ी सी देर के लिए उसको उबलने के लिए छोड़ दीजिए। जैसे ही पानी उबलना स्टार्ट करेगा उसको बंद करके और अच्छे से साबुन से रगड़ लीजिए। ध्यान रहे इलेक्ट्रिक केटल के नीचे वाले पोर्शन में पानी नहीं जाना चाहिए, वरना वो शॉक दे सकती है आगे जब यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से आप देखना इसमें कितनी ज़्यादा शाइन आ जाएगी, कम मेहनत के और बढ़िया काम हो जाएगा। आप देखिए चमक उठी ना एकदम नई जैसी। तो आप भी ये टिप आजमाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। जब भी आप मिर्ची काटती हैं तो चाकू की बजाय आप हमेशा सीज़र का यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे आपके हाथों में मिर्ची नहीं लगेगी और जब भी आप आँख में गलती से मार लेते हैं या फिर होठ पे लगा लेते हैं मिर्ची, वो वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। पापड़ जब भी लाते हैं हम तो उसका जब पैकेट खोलते हैं तो वो ऐसे ही हम खुला छोड़ देते हैं, जिससे पापड़ में नमी आ जाती है। तो उससे बचने के लिए हमारे घर में बहुत सारे ऐसे ज़िपलॉक बैग होते हैं जो कि नमकीन के होते हैं, उनमें डाल के आप रखिए, जगह भी नहीं लेंगे और अच्छे भी बने रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी बाज़ार से सामान लाते हैं तो हम डब्बे में भरते हैं लेकिन फिर भी बच जाता है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से आप चिमटा हल्का हल्का गर्म कीजिए और ऐसे आप हल्का हल्का दबाइए इसे। इस तरीके से क्या होगा ना, आपका जो पैकेट है वो उसमें जो भी प्रोडक्ट है वो ख़राब नहीं होगा, उसमें कीड़े नहीं लगेंगे और फ्रेश बना रहेगा। तो ये टिप आप ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। एक टिप जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, जब भी मुझसे गलती से कोई प्रोडक्ट गिर जाता है, दूध हो या कुछ भी हो, सब्ज़ी हो या फिर बच्चों से कोई कुछ गिर जाता है, तो मैं उसको तुरंत साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब वो सूख जाता है तो उसको साफ़ करने में ज़्यादा मेहनत लगती है। जब भी आप दूध गर्म करती हैं थोड़ा सा घी लगाइए तली में, इससे क्या होगा आपका जो दूध है वो ज़्यादा जमेगा नहीं और आपको साफ़ करने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। दूध का पैकेट जब भी आप काटते हैं तो इस तरीके से काटिए जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। ऐसा करने से शायद आपको लग सकता है ये टिप छोटी है, लेकिन ये हमारे वातावरण के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो आप इस टिप को ज़रूर यूज कीजिए। हमेशा अपने घर को ऑर्गेनाइज और क्लीन दिखाने के लिए जो भी चीज़ है आपके घर में उनको एक जगह दीजिए। जब भी आप चीज़ों को यूज़ कर ले उनको अपनी जगह पे वापस रख दीजिए। इससे ज़्यादा क्लटर नहीं बिखरेगा और आपका जो घर है वो साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज दिखेगा।
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर द चैनल. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.